फ्रेंड्स, SIC के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शैलन कुमार सिंह, क्लास 9th के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, और आपने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद किस प्रकार आया, समाजवाद क्या है, समाजवाद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का युग, मतलब यूरोप में जब समाजवाद आया तो वह अपने साथ जो है सामाजिक परिवर्तन भी लाया, समाज में बहुत तरह के परिवर्तन हुए। अब तक तो केवल समाज में दो ही वर्ग थे, एक जो है जो पूंजीपति वर्ग था या जो लोग धनाढ्य थे, और एक बिल्कुल जो है एक गरीब वर्ग था। लेकिन एक तीसरे वर्ग ने जन्म लिया जिसको मजदूर वर्ग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से या फ्रांसीसी क्रांति से जो है ये सामाजिक क्षेत्र में बहुत तरह के बदलाव आए। दूसरा, भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है। आपको मालूम है कि हमारा विदेश अंग्रेजों का गुलाम था, और एक तरह से भारत के लोग जो है स्वराज पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटा रहे थे। तो उस समय भारत के लोगों में चेतना फूंकने का काम जो है बंगाल में ये राजा राम मोहन राय और डेरेजियो ने किया था, और वो फ्रांसीसी क्रांति का ही जो है प्रभाव था। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। उपनिवेशों में घटी घटनाएं, उपनिवेशों में, उपनिवेश का मतलब हमारा देश भी जो है एक उपनिवेश था, और उपनिवेश बसाए किसने थे, उपनिवेश जो भी उस समय तक की साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो या रूस रहा हो या फ्रांस रहा हो, ये सभी देश अपने उपनिवेश बसाए थे, और इनके उपनिवेशों में बहुत तरह की घटनाएं भी घटी थी, क्योंकि ये अपने उपनिवेशों में बहुत ज्यादा अत्याचार भी करते थे। तो इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया जो उपनिवेश में घटी घटनाएं थी। इनमें से कुछ रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी मतलब कंजर्वेटिव थे, जो अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते थे, जो अपने परंपराओं या अपने ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, नया चीजों का अंगीकार नहीं करना चाहते हैं, वे रूढ़िवादी कहे जाते हैं, कंजर्वेटिव कहे जाते हैं। तो इसमें जो है रूढ़िवादी थे, तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। मतलब समाज में तीन तरह के लोग थे, एक रूढ़िवादी थे, दूसरे उदारवादी थे, और तीसरे परिवर्तनवादी थे, जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता है। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, मतलब वो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते थे। उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक ही धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। मतलब जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, और ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। मतलब उस समय जो है ये ऑस्ट्रिया स्पेन में कैथोलिक चर्च के समर्थक ज्यादातर लोग थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे।
वंश आधारित, वंश आधारित मतलब जनरेशन बाय जनरेशन एक ही व्यक्ति का शासन न हो, इसका विरोध करते थे। इस तरह के शासन व्यवस्था की विरोध जो है उदारवादियों के द्वारा किया जाता था, वे उसके विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्ष कर दे, मतलब जो समाज का सबसे छोटा व्यक्ति है उसका भी जो है कुछ अधिकार हो। ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, मतलब शासकों का प्रभाव उनके ऊपर न हो और न अफसरों का प्रभाव हो। सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाया जाए, मतलब भेड़ चाल न हो बल्कि एक तरह से सुप्रशिक्षित न्यायपालिका हो जो न्याय अन्याय को देखने का काम करे। लेकिन ये सार्वभौमिक बेस मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, ये उदारवादी जो थे ये सबको जो है मताधिकार, बेस्ट मताधिकार देना नहीं चाहते थे। क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिले, जो धनी लोग हैं उन्हीं को वोट का अधिकार मिले। तो ये विचार था उदारवादियों का। इसके बाद अमूल परिवर्तनवादी, जिनको रेडिकल्स कहा जाता है, इनका मानना था कि समाज का जो भी परिवर्तन आए वह बिल्कुल निचले स्तर से है, बिल्कुल जो भी पुरानी चीजें उसको हम छोड़ दें। तो ये लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, और इनमें से बहुत लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। हालांकि उस समय तक जो है यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, समर्थक थे। ये लोग जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों के किसी भी विशेषाधिकार के खिलाफ थे। लोग नहीं चाहते थे कि जमींदारों को और पूंजीपतियों को किसी तरह का विशेषाधिकार मिले, क्योंकि वह उन विशेषाधिकारों के आधार पर लोगों का शोषण करते हैं। ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि संपत्ति का संकेंद्रण कुछ लोगों के ही पास न हो, मतलब लोगों के पास धन रहे वो मानते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि सारा धन किसी एक दो लोगों के ही पास हो, इसके वो विरोधी थे। इसके बाद नंबर आता है रूढ़िवादी का, कंजर्वेटिव का। यह तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन विचारों का विरोध करते थे। ये चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी। कहने का मतलब है कि एकाएक हम समाज को नहीं बदल सकते हैं, और न ही एकाएक एक पूंजीपति वर्ग को या एक जमींदार वर्ग को हम चाहें कि वो खेतों में चल करके काम करे तो वह काम नहीं करेगा, यह बदलाव धीरे धीरे होगा। यह जो है ये रूढ़िवादियों का मानना था। इसके बाद हम आते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी, और औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? औद्योगिक क्रांति का अर्थ यह है कि उत्पादन के साधनों में जब आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है तो उसको औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, मतलब जो भी उत्पादन करने वाले साधन है उनमें परिवर्तन हो जाना। जैसे बहुत पहले हम ट्रेडिशनल ढंग से जो है खेती का काम करते थे या व्यापार या उद्योग ये सब चलाते थे, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो बहुत सारे कल कारखाने स्थापित हुए, तो औद्योगिक समाज का निर्माण भी हुआ और औद्योगिक समाज की वजह से सामाजिक परिवर्तन भी हुए। यह दौर महान सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए नगरों का निर्माण हो रहा था और रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, औद्योगिक विकास ने औरतों आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया था। तो औद्योगिक क्रांति का यह दिन था, इस समाज में ऐसा परिवर्तन कि औरतें बच्चे और सब लोग कारखानों में आकर के काम करना शुरू कर दिए। लेकिन बहुत ज्यादा शोषण भी उसमें होता था, काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, 12 घंटे 16 घंटे की पाली होती थी और उसमें उनको काम करना पड़ता था, लेकिन जो वेजेज होते थे जो मजदूरी होती थी वो बहुत कम होती थी। वस्तुओं की मांग में कमी आ जाने पर बेरोजगारी बढ़ जाती थी, जैसे मान लीजिए सामान बन रहा है और अगर उसका आपूर्ति नहीं हुआ, अगर उसको जो है कहीं दूसरे देशों में नहीं भेजा गया तो फिर जो बेरोजगारी थी वो बढ़ जाती थी,
काम रुक जाते थे, मजदूरों के स्वास्थ्य एवं भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जो पूंजीपति वर्ग था वह बहुत ज्यादा जो है मजदूरों का शोषण करता था, और यही वजह था कि यूरोप में या दुनिया में जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स होते, ये दोनों मिलकर के समाजवाद को लाए या कम्युनिज्म को लाए या साम्यवाद को लाए। इसके बाद हम आते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद किस प्रकार आया? तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उस समय तक समाजवाद ने जन्म ले लिया था। मतलब समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद मतलब सबको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, यह जो है समाजवाद है। और दूसरा समाजवाद का जो चेहरा है वह है कि जो भी निजी संपत्ति है यह नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी इस देश की संपत्ति है उस पर हर एक नागरिक का अधिकार होना चाहिए। ये समाजवादी मानते थे या साम्यवादी मानते थे या कम्युनिस्ट मानते थे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि निजी संपत्ति की वजह से या निजी स्वामित्व की वजह से जो पूंजीपति वर्ग है वह दिन पर दिन धनी होता जा रहा है, और जो गरीब है वह दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। उनके उसमें क्या कहते हैं आर्थिक दशा में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। समाजवादियों के पर भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव मतलब सामूहिक उद्यम, जिसमें मिल बांट करके किसी भी काम को कर लेना, यह जो है कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम कहलाता है। तो इस विचार में उनकी दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 के बीच जो है ये थे, इन्होंने इंडियाना अमेरिका, जिसको पहले इंडियाना कहा जाता था, में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था। ये नए तरह का समुदाय क्या था? ये नए तरह का समुदाय जो है एक मजदूरों का जो वर्ग जो आगे निकल करके आया। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से बांट लेते थे। मतलब ये मिलजुल करके काम करते थे और जो भी आय होता था उसको जिस सदस्य की जैसी उसमें पार्टिसिपेशन होती थी, जैसी भागीदारी होती थी, उसके हिसाब से उसको जो है उस मुनाफे को बांटते थे। तो यह जो है कोऑपरेटिव था या सामूहिक उद्यम था। कार्ल मार्क्स 1815 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। दुनिया भर के मजदूरों को एक करने का काम जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने ही किया था, और इन्होंने जो है ये क्या कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक के माध्यम से दुनिया भर के मजदूरों को एक होने का इन्होंने आह्वान किया था, और एक मजदूरों के अंदर जागरूकता लाने का काम जो है मार्क्स ने किया था। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज में पूंजीवादी समाज है, औद्योगिक समाज में पूंजीवादी समाज है, मतलब औद्योगिकरण जो होता है वह औद्योगिकरण का जो दौर है वह पूंजीपतियों का दौर है। उनका मानना था कि जब तक निजी पूंजीपति मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। मतलब जो भी मुनाफा होता है उसमें से कुछ हिस्सा मजदूरों को देकर के बाकी जो अधिक हिस्सा होता है वह पूंजीपति रख लेते हैं, और दिन पर दिन वह जो है धनी होते चले जाते हैं। सुधार तभी होगा जब पूंजीवाद को उखाड़ फेंका जाए। उनका कहना था कि पूंजीवाद को ही समाप्त कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए, पूंजीवाद का कोई जगह नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हर मजदूर के जीवन में खुशहाली लौटेगा। कालांतर में भविष्य में उन्होंने इस समाज को समाजवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। इसके बाद हम आते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। एक इनकी इंटरनेशनल संस्था थी पूरे विश्व स्तर पर।
इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने कल्याण के लिए एक संगठन भी बनाना शुरू कर दिए थे। इन संगठनों ने कोष भी स्थापित कर लिए। जैसे कोई संगठन बनाया जाता है तो उसमें जो है पैसे की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्होंने कुछ क्या कहते हैं अपना वो करके दान दे करके या जो है कुछ कोऑपरेट करके जो है एक कोष बना लिया था। और ये एक कोष भी बना लिए थे और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार की मांग भी करने लगे। मतलब ज्यों ज्यों समाजवाद या साम्यवाद आगे बढ़ रहा था त्यों त्यों जो मजदूर थे वह जो है अब मुखर होते जा रहे थे, वो पूंजीपतियों से एक तरह से डर नहीं रहे थे। जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन मजदूर संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में पार्टी की वोटिंग से मदद भी करते थे। मतलब जर्मनी का जो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था उसका समर्थन दुनिया भर के मजदूर संघ करते थे। जैसे आज भी भारत में जितने भी ट्रेड यूनियन है या जो मजदूर संघ है वह किसी न किसी पार्टी का अपने पार्टी के माध्यम से उसका जो है चुनाव में सहयोग करते हैं या मोटिवेट करते हैं अपने संघ के जो भी सदस्य होते हैं या भी इस पार्टी को वोट दीजिए। तो इस तरह से यह संगठन भी करते थे चुनाव के समय जो संसदीय चुनाव होते थे। 1905 आते आते ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन मजदूर संघ आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। मतलब इंग्लैंड में एक बहुत बड़े पार्टी जो है लेबर लोगों का, जो लेबर लोगों को समर्पित था, मजदूर लोगों को समर्पित था, इस तरह की एक पार्टी बना ली गई 1905 में इंग्लैंड में। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना रही कि 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, बहुत से लोग जो है मजदूर संघों से जीत करके जाते थे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई मगर सरकारों में रूढ़वादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा और समाजवादियों को अपनी सरकार बनाने के लिए 1917 तक इंतजार करना पड़ा। क्योंकि 1917 में जब रूस के अंदर एक क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद जब जार निकोलस की सत्ता समाप्त हो गई तो आगे चल करके जो है साम्यवादियों ने अपना सरकार बनाया। अगले टर्न पर मैं आपको रूसी क्रांति के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।